गाइस टुडे वी हैव लेफ्ट फॉर तिजारा फोर्ट विच इज़ इन तिजारा अलवर डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जैन टेम्पल है, तिजारा जी जैन टेम्पल, और हम पहले वहाँ जाएंगे और उसके बाद हम तिजारा फोर्ट जाएंगे। इस फोर्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज़ कि यहाँ पे कभी कोई रॉयल फैमिली नहीं रही, इवन दो तीन रॉयल फैमिली के जनरेशन ने मिलकर इसको बनाया, बट दे नेवर गॉट अ चांस टू स्टे, एंड इट इज़ एट द मोमेंट मैनेज बाय नीम राना। So if you would search it on internet, you would find it as Neem Rana Tijara Fort Palace. Isko confuse mat karna with Neem Rana Fort, because that's a separate property in Neem Rana village. This one is Neem Rana Tijara Fort Palace, which is in Tijara Alwar district. So let's go and see. मंदिर के बाहर आते ही 10,000 करोड़ टाइप के मसाले, सौंफ, इलायची और पता नहीं क्या क्या आपको मिल जाएगा। सो फूड लवर्स वॉच आउट। और हाँ, यहाँ इन भाई साहब की कचौरी और आलू की सब्जी खाना मत भूलना। और ये शायद मेरे YouTube चैनल का पहला ब्रांड पार्टनरशिप है, क्योंकि शाउट आउट के बदले में मुझे मिली है एक फ्री चाय। After an amazing start to this morning, it was time to head to the historical fort. Fort एक secluded hilltop के ऊपर बना है और काफी दूर से fort का west side दिखना start हो जाता है। ₹1835 में राजा बलवंत सिंह ने तिजारा फोर्ट का निर्माण शुरू किया, लेकिन 1845 में उनकी मृत्यु हो गई, तो वो ना तो खुद कभी इस महल में रह पाए और ना ही इस फोर्ट का काम कभी पूरा हो पाया। जब नीमराना ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया, ये एक बहुत ही बुरे खंडर के अलावा और कुछ भी नहीं था। उनके रेस्टोरेशन और मेहनत की बहुत ही तारीफ बनती है। इस फोर्ट के तीन मेन सेक्शंस हैं, मर्दाना महल फॉर रॉयल मेन, रानी महल फॉर रॉयल वुमेन, एंड अ प्लेजर पैलेस ऑन द एज ऑफ द प्लेटो। राइट नाउ इट हैज बीन फुल्ली रेस्टोर्ड विथ 62 स्वीट्स, वन लार्ज ऑडिटोरियम, अ जाइगेंटिक स्विमिंग पूल and multiple gardens.
यहाँ पे काफ़ी ऐसे रेफरेंसेज हैं जहाँ से रियलाइज़ होता है कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन पुराना है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन बाद में करा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वॉल और इस वॉल में काफ़ी क्लियर डिफरेंस है, विच क्लियरली शोज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड द अर्लियर कंस्ट्रक्शन। इवनिंग एट दिस प्रॉपर्टी वॉज मैग्निफिसेंट। Since there was a cultural event in the auditorium for all guests. नीमराना ग्रुप के अंडर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं एज यू ऑल नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो इट डजन मीन कि आप भी इससे एग्री करो, बट आई पर्सनली फील कि इसमें शायद उनका सबसे ज़्यादा एफर्ट लगा है। रीज़न बीइंग, व्हेन आई लुक एट दी अर्लियर पिक्चर्स, जब इनको प्रॉपर्टी मिली थी नीमराना ग्रुप को, उस टाइम पे जो इस प्रॉपर्टी की हालत थी, मुझे लगता है कि शायद सिर्फ 35% इनको मिला था and the remaining they had to construct themselves. There is a lot of effort gone into this property, and I also feel that this is really underestimated and this property deserves so much more recognition. People need to come here and experience this place. It is extremely extremely beautiful, and you see a lot of personal effort from the staff as well to ensure that your stay is great. So we had a great time, and this has become one of my favorites now out of all the properties that we have been so far. So yeah, highly recommend.